से पास। हाँ पहले भी नजदीक ही जी, इंडस्ट्री ले लिया तो था ही जी फरीदाबाद शुरू से ही। हाँ बल्लमगढ़ को फरीदाबाद का ही है, डिस्ट्रिक्ट तो फरीदाबाद ही लगता है उसका। हाँ ठीक है चले जी। हाँ आपका देख लिया जी आपने, सबने आपका चेंज हो गया है शेड्यूल एडीए का। पहले एडीए का पैटर्न हुआ करता था पीटी प्लस इंटरव्यू, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे हाँ आपके साथ डिस्कस भी करनी थी पेपर के लिए। ठीक है तो अब आपका शेड्यूल चेंज हो गया है, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, उसमें आपका है पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, बिल्कुल आपका जुडिशरी के तर्ज पे कर दिया इन्होंने जैसे जुडिशरी का होता था। जो बात इसमें ध्यान रखने वाली है, पीटी का पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा जिसमें से 80 मार्क्स के आपके 8 सब्जेक्ट हैं। आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऊपर ऊपर से देखे हैं 8 हैं जिसमें आपका 8 सब्जेक्ट्स में है आपका सीपीसी, सोगा, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, एक सब्जेक्ट और है जी कौन सा है सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप। हाँ में हाँ इसलिए तो टोटल 9 है, 9 में से इसलिए तो 8 को बोला। हिंदू मुस्लिम भी है ना, हिंदू मुस्लिम 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सब्जेक्ट्स है आपके। हाँ ठीक है जी, टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं आपके इसमें एंड इनके बेसिस पे 100 मार्क्स का टोटल आपका क्या होगा पेपर, 100 में से 80% पेपर वुड बी फॉर लॉ एंड रेस्ट 20% वुड बी फॉर लीगल, लीगल नहीं लॉजिकल रीजनिंग प्लस जीके, इंग्लिश नहीं आई गेस 20% में वो सब। हाँ कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में भी आती है जी, इंग्लिश ही है कॉम्प्रिहेंशन तो। ये आपके वो क्वेश्चन होंगे इसमें, इसके साइड में ये बैठा है, इसके साइड में ये बैठा है, बताओ बीच में कौन बैठा है, ये सारे क्वेश्चन आपके 20% में होंगे, 80% वुड बी फॉर लॉ। इंपॉर्टेंट बात पीटी के लिए ये होगा कि पहले आपके एमसीक्यू में हर क्वेश्चन के साथ होते थे 4 ऑप्शन, किसी किसी के साथ 5 भी होते थे, पर अब क्या है 5 ऑप्शन आपके कंपल्सरी होंगे जिनमें से दीज 4 विल बी योर चूज इधर वन ऑफ देम, जैसे एमसीक्यू का फॉर्मेट है ये आपका। जैसे आप वोट करने जाते हो वहां पे होता है ना एक निल बटन, नल बटन क्या बोलते हो उसे, नाटा, नाटो, नोटा है ना, नन ऑफ द अबव, तो ये भी आपका क्या है नोटा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई है 1/4। अब नोटा का क्या इफेक्ट है वो समझने की बात है। अगर आपको मान लीजिए जैसे नेगेटिव मार्किंग जहां होती थी, जनरल टेंडेंसी हमारी ये होती थी हम पेपर को ओवर अटेम्प्ट ना करें क्योंकि उससे क्या है मार्क्स कट जाते थे। तो अब क्या हो गया है, जैसे पहले क्या होता था धांधलीबाजी जब होती थी ओएमआर शीट बच्चे खाली छोड़ देते थे, बाद में जो डिपार्टमेंट के लोग थे या चलो जो भी थे एक्स वाई जेड वो क्या करते थे ओएमआर में बाद में उनको डार्कन किया करते थे सर्कल्स को, सही सर्कल्स को पेपर हो जाने के बाद। तो इस धांधलेबाजी को रोकने के लिए कमीशन ने क्या इंट्रोड्यूस कराई है, फिफ्थ सर्कल इंट्रोड्यूस करा है। ये फिफ्थ सर्कल क्या कहता है कि अगर आपको इन चारों ऑप्शंस में से कुछ नहीं चुनना या आपको वो क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ना है देन डार्कन नोटा, तो आप नोटा के ऊपर क्या करें डार्क करें। अगर आपने नोटा को डार्क किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं लगेंगे। अगर आपने नोटा पे भी क्लिक नहीं करा और ये चारों पे भी क्लिक नहीं करा तो 1/4 मार्किंग तो होनी ही होनी है। प्लस इसमें
अगर आपने 20 या 25% से ऊपर कोई भी सर्कल खाली छोड़ दिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं मोर देन 20 या 25% जिसमें आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा पांचों में से, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड क्यों? क्योंकि आप क्या है, ऐसा मान लिया जाएगा आपने पैसे खिलाए हैं ताकि आपकी ओएमआर में वो बाद में सर्कल कर सके। क्योंकि अगर एक बार नोटा पे सर्कल कर दिया फिर तो कहीं और सर्कल हो नहीं सकता बाद में भी, क्वेश्चन वैसे डिस्क्वालीफाइड। खाली छोड़ने का मतलब क्या है? खाली छोड़ने का मतलब ये है कि आपने क्या करा है, क्वेश्चन को बाद में भरने के लिए छोड़ दिया ताकि कोई बाद में आपके क्वेश्चन आपके बिहाफ पे भर सके। तो आपको नोटा मार्क करके आना है। नोटा विल बी ट्रीटेड एज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ना नेगेटिव मार्किंग होगी ना उसमें पॉजिटिव मार्किंग होगी, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन नहीं करना, मार्क नोटा फॉर, खाली नहीं छोड़ के आना। खाली छोड़ के आना विल क्रिएट अ डाउट एंड सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ पेपर चेकर कि ये क्वेश्चन इन्होंने खाली छोड़ दिया है, कोई भी मार्क नहीं करा। एक आधी दो छूट जाए गलती से टाइम की कमी से, वो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। इसलिए इन्होंने 20-25% की लिमिट रखी है कि इससे अगर ऊपर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मार्क नहीं है तो क्या माना जाएगा, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। कमिंग टू दी पीटी में अब आपके क्या होंगे, इनटू फोर नंबर लेंगे ये। मिनिमम 25% आपको स्कोर करना है ऊपर जाने के लिए, मेंस में जाने के लिए, और एडवर्टाइज पोजीशन का इनटू फोर लेंगे ये मेंस के लिए, ठीक है जी। अब आ जाए मेंस के ऊपर। मेंस आपका 150 मार्क्स का होगा, जितने पीटी में सब्जेक्ट थे सारे इसमें होंगे, लॉ वाले इसमें नहीं है, जीके, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल, रीजनिंग कुछ भी नहीं है, प्योर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। 3 घंटे का होगा, पीटी 2 घंटे का है आपका, ये 3 घंटे का होगा आपका। कोई इसमें जीके वगैरह, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह का कोई काम नहीं है इसमें, ये प्योर लॉ का पेपर होगा आपका। इसमें जितने नंबर आएंगे उसको उसका 87.5% प्लस पीटी है आपका, कितना 100 मार्क्स का है पीटी, इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, इंटरव्यू के टोटल मार्क्स नहीं बताए? चलें जी, इंटरव्यू के मार्क्स अगर हम मान के चल लें एक्स, तो एक्स इंटू 12.5% ये वेटेज है इंटरव्यू की। इन दोनों का टोटल करके क्या है, आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी। प्री इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका मेरिट लिस्ट में कोई काम नहीं है। मेंस में जो नंबर आए 87.5% उनकी वेटेज होगी, इंटरव्यू के मार्क्स की 12.5% वेटेज होगी। इन दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, ठीक है जी। ये है अब आपका पैटर्न एडीए के लिए। जो पहले होता था कि 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर आए, एलएलबी में अच्छे नंबर आए, पीएचडी कर रखी है, एलएलएम कर रखी है, पेपर पब्लिश किए हैं नंबर, वो सब हटा दिया। द सोल क्राइटेरिया इज इंटरव्यू मार्क्स इनटू 12.5%, मेंस मार्क्स इनटू 87.5%, ठीक है जी। इस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है, ठीक है जी। आप अपना पेपर भी क्या है जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो मे बी अब क्या चल रहा है, अप्रैल है ना, जून में या मेरे अकॉर्डिंग मई के लास्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। पीटी आपका, पीटी के बाद फिर टाइम मिलेगा मेंस के लिए, पर पीटी आप मेरे हिसाब से तो जून में हो जाना चाहिए। हो सकता है लेट भी हो, पर मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है जी। और कोई डाउट पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग? जी हेमंत जी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हरियाणा सीईटी एग्जाम की तरह है जी पैटर्न, बिल्कुल जी। हाँ, कल्चर वगैरह तो आपका पहले भी था जीके के तौर पे, हरियाणा जीके तो आती थी। हाँ, ये रीजनिंग वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया मेरे ख्याल, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 जी। और इसमें आपका ये सबके लिए ही हो गया, जैसे हम पहले भी जब एडीए की नोटिफिकेशन आई थी सिलेबस वगैरह डिलीट हो गया था इनका, तो लग ही रहा था ये होना था। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हो सकता है आपका मेंस भी हो, तो अब वो मेंस हो रहा है, ठीक है जी। तो तैयारी अब आप उसी हिसाब से करें, ठीक है जी। और कोई डाउट पेपर में, प्रोसेस में?
कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी, जो फॉर्म आप भर चुके हैं वही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि अब फॉर्म दोबारा निकलेंगे आपके एडीए के, ठीक है जी, फॉर्म तो वही रहेंगे आपके, कोई अलग से फॉर्म नहीं निकलवाने। ये तो जी कट ऑफ पे डिपेंड करता है, सपोज 80% लॉ के हैं, अगर 80 में से आप अपनी एक्यूरेसी 85% भी मान के चलें तो 854 68 मार्क्स के आसपास होंगे आपके। नहीं मैं तो वैसे कह रहा हूं कि अगर आप लॉ के ऊपर ही डिपेंड रहें और अपनी 85% एक्यूरेसी मान के चलें, क्योंकि नेगेटिव भी है उसमें, तो आप स्कोर करेंगे 60 से लेकर 70 के बीच में हो सकता है, क्योंकि देखो जुडिशरी के लिए इनका पैटर्न होता है इंटू 10 लेने का, जो टोटल पोजीशन एडवर्टाइज होती है उसका इंटू 10 लेते हैं ये मेंस के लिए, इसमें ये ले रहे हैं इंटू 4, यानी कि कम बच्चे लेने हैं, तो जब कम बच्चे लेने हैं डिमांड सप्लाई कट ऑफ विल बी हाई। तो खाली लॉ से मेरे हिसाब से नहीं होगा जी, आपको जीके के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव भी है इसमें। सब्जेक्ट मेंस के लिए सेम है जी, पीटी और मेंस के लिए सेम है, पीटी में जो एडिशनल जीके वाला पोर्शन था रीजनिंग जीके वो मेंस में नहीं आएगा, मेंस प्योर आपका लॉ के लिए होगा, ठीक है जी, उसमें लॉ के क्वेश्चंस होंगे आपके। और डाउट जी पेपर में? पहले भी 2 ही घंटे थे, 2 घंटे बहुत होते हैं जी 100 क्वेश्चन करने के लिए, मोर देन इनफ होते हैं 2 घंटे। आप जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें जी, एमसीक्यू इतनी स्पीड हो जानी चाहिए आपकी कि 1 घंटे में आप 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बड़ी आसानी से आ जाती है जी। रीजनिंग जिंदगी में भी नहीं, सारा मोरेल डाउन हो गया, मोरेल डाउन करने की जरूरत नहीं है जी, 1-2 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, क्योंकि उसमें बहुत कुछ देना है इन्होंने, जीके भी देनी है उसमें, इंग्लिश भी देनी है, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है रीजनिंग, तो इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं होगी रीजनिंग, मत पढ़ो रीजनिंग, छोड़ दो, मैं कह रहा हूं छोड़ दो, ठीक है जी, रीजनिंग छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाकी के पेपर पे फोकस करो, जीके पे फोकस करो, जो जीके पहले भी थी उसके ऊपर फोकस करो, इंग्लिश के ऊपर फोकस करो, रीजनिंग छोड़ दो। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग आपकी सिंपल रीजनिंग आएगी, जो बैठ के हम प्लस माइनस नहीं करते वो प्लस माइनस करने हैं वहां बैठ के, वहां चमक गया आंसर तो ठीक है, नहीं चमका तो टाटा बाय बाय, सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं करने जी, छोड़ दो जी, छोड़ दो, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना, पर फिर भी छोड़ दो, ठीक है जी, आप फोकस करो अपने की एरियाज पे, 80% पे मेजर फोकस करो, कि 80 में से तकरीबन मैं 74 मार्क्स ले लूं, इतनी आपको अपनी लॉ क्या करनी है, इंप्रूव करनी है, उसके लिए क्या तरीका है, ओनली एंड ओनली बेयर एक्ट, डू नॉट रेफर टू एनीथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट में भी क्या, इंडेक्स के ऊपर ध्यान देना है। मैं आपको बात कर रहा था उस दिन, बहुत हो जाता है जी। देखो जी मैं उस दिन इंडेक्स की बात कर रहा था, आपको क्या करना है, मतलब ये तरीका पर्सनली मेरे लिए तो वर्क करता है, मैं आपके साथ अपना प्रोसेस शेयर कर रहा हूं याद करने का। आईपीसी में यहां आप एक लिस्ट बना लें, ये चैप्टर, ये नेम ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज योर रेंज ऑफ सेक्शंस। बात करें चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी 1 से लेके 5, सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशन 6 से लेके 52A, 3 पनिशमेंट 53 से 75, 4 जनरल डिफेंस 76 से 106। ये आपको एक प्रिपेयर कर लेना है आईपीसी के लिए, पूरा सेम सीआरपीसी, सेम एविडेंस, सेम सीपीसी, एसआरए लिमिटेशन आपकी मर्जी है, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, ठीक है जी, फायदे में रहोगे अगर कर लोगे तो। उसके साथ क्या लिखना है यहां पे, आईपीसी किसने बनाई, मकौले ने बनाई, एनफोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1862, बस, और लॉ कमीशन रिपोर्ट वगैरह ये नहीं लिखना कुछ भी। मकौले ने बनाई, बीबी मकौले, टीबी मकौले, सॉरी थॉमस बेबिंगटन मकौले, और एनफोर्समेंट डेट इसकी WEF है 1 जनवरी 1862। तो ये आपको तैयार करना है पीटी के लिए अपना, ठीक है जी।
अब जैसे इसमें क्या है, जनरल डिफेंस में मैंने आपको रेंज लिखा 76 to 106। अब इसमें प्राइवेट डिफेंस नाम का एक वो होता है, एक बीच में इसका सेक्शन होते हैं प्राइवेट डिफेंस के, प्राइवेट डिफेंस है आपका 96 to 106। तो यहां पे भी क्या है, इसी चीज को यहीं पे लिख लेना है आपको ब्रैकेट में। जैसे हम बात करते हैं, सबसे मुश्किल है हमारा जैसे चैप्टर नंबर 17 बॉडी, पूरी रेंज है उसकी 299 से 377, ये हो गई फुल फ्लेज, ये उसकी फुल फ्लेज रेंज होगी। यहां हो गई ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, उसका नाम हो गया। अब आ जाओ धीरे धीरे उसके इंग्रेडिएंट्स पे। पहला बॉडी 299 से 310, ठीक है जी, 311 सॉरी, ठग की। उसके बाद चाइल्ड वगैरह, अबेंडमेंट एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड, हाँ बॉडी 60, प्रॉपर्टी 17। फिर आपके चाइल्ड वगैरह के आ गए 312 से 318, ठीक है जी। फिर उसके बाद हर्ट आ गया 38, 338। तो यानी कि आपको एक ऐसी टेबल प्रिपेयर कर लेनी है, ये मेरे लिए तो पर्सनली वर्क करता है, मैं आपको अपना तरीका शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि पीटी में अभी टाइम है, तो क्या है जैसे आईपीसी में 23 चैप्टर हैं आपके, तो डेली के अगर 10 चैप्टर भी याद करें, चैप्टर नंबर 1 नाम ये रेंज ये, चैप्टर नंबर 2 नाम ये रेंज ये, 10 10 भी याद करो तो थोड़े ही दिन में आपका पूरा इंडेक्स याद हो जाएगा। फायदा, एक्सटॉर्शन का सेक्शन पूछा है, अब हमें क्या है, या तो आप पूरी आईपीसी में उसे घूमो अपने दिमाग में, या आपको पता है चैप्टर नंबर 17 एक्सटॉर्शन की रेंज है 383 से 389, तो आपको कहां घूमने की जरूरत है, खाली 383 से 389 के बीच में। डेफिनेशन पूछिए, डेफिनेशन क्लॉज जनरली पहला ही होता है, तो 383 उसमें टिक मार, बहुत हेल्प हो जाती है। तो इंडेक्स अपना पूरा याद कर लें हर सब्जेक्ट का, ठीक है जी, पीटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है, ठीक है जी। तो ये इंडेक्स प्रिपेयर कर लें। पैटर्न हमने डिस्कस कर ही लिया था जी, मेन साथ लेके चलना होगा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई डाउट पैटर्न में? जी जीके वगैरह आते ही थे। चलो जी, रीजनिंग कोई आपकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगी, वही होएगी जी, प्लस माइनस करने होंगे। हाँ वो चाहे छोड़ भी दो जी, इतना फोकस मत करो हर चीज पे, ना घबराने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो रीजनिंग मत करो। 80% मार्क्स सिक्योर करने लॉ में, तो 80 में से कम 70 से ऊपर तो लॉ में ले लेने हैं जी, लॉ को तो कम से कम इतना प्रिपेयर कर ले। बाकी जीके वगैरह है वहां थोड़ी बहुत चमक जाएगी, तो जीके वगैरह, इंग्लिश आसानी होती है थोड़ी बहुत, इंग्लिश कर लो, रीजनिंग छोड़ दो जी, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, कोई बात, बहुत कुछ है जी, कोई बात नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा, बढ़िया हो गया, बल्कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है जी। सर इंटरव्यू के अंदर पहले एक पेपर होता है ना, तो भी सर 3 गुना बच्चे लेने थे, इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जाते हो, अब मेंस के लिए सिर्फ 4 घंटे, कोई काम करते हो इसलिए आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी जी मेंस इसकी, पीटी की, ठीक है जी। जब ही तो कह रहा हूँ लेने भी, तो N2-4 बच्चे हैं इन्होंने, ये भी तो देखो आप, इन्होंने क्रीम क्रीम लेनी है ऊपर की, N2-4, हाँ जुडिशरी में N2-10 लेते हैं ये, जुडिशरी में N2-10 लेते हैं ये, इनका पैटर्न होता है N2-10 लेने का, ADMA ये लेंगे N2-4, यानी कि क्रीम क्रीम लेंगे नेगेटिव होने के बावजूद भी, हाँ उनमें N2-2 आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है जी। तो मेंस की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दें। अब पढ़े लिखे बनेंगे सरकारी वकील, ठीक बात है जी, पहले सरकारी वकील तो लगभग तो आपको ऐसे ही मिलेंगे कोर्ट्स में फिलहाल की डेट में, जिन्हें आधे को मैं आपके साथ एक डिस्कस शायद करा था मैंने, 43 की बात है, क्या हुआ था, एक वो था पॉस्को का केस था, तो पॉस्को के मैटर में क्या हुआ था, वो लड़का और लड़की थे जी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है जी, लड़का वेटर था, लड़की फंक्शन में गई, वहां उनकी बातें वगैरह शुरू हो गई, फिर वो फिजिकली इन्वॉल्व हो गए, बाद में लड़की ने पॉस्को वगैरह लगा दिया उसके ऊपर,
तो उसमें ये प्रूव हो गया कि लड़की 18 से ऊपर है, ठीक है जी। तो पॉस्को हट गया, बात रही 376 की, क्योंकि पॉस्को के साथ 376 भी जोड़ा जाता है आईपीसी का। तो पीपी ने क्या करा, 376 के ऊपर फोकस ही नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा ये पता नहीं, पर उसका एक इंग्रेडिएंट था, जैसे कि अगर जो लड़का है वो पहले से ही शादीशुदा है और ये बात लड़की को पता नहीं है तो इट अमाउंट्स टू रेप। उसकी कंसेंट जो थी वो क्या थी, आपने फ्रॉड से ली है, तो इट अमाउंट्स टू रेप। उसने इस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दिया। लड़की ने कहा कि मेरे को पता लगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस ने मुझे बताया ये लड़का शादीशुदा है। पीपी ने पता नहीं उस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। चलो पॉस्को हट गया, 376 में तो जाता अक्यूज्ड, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, वो एक्विट हो गया अक्यूज्ड। अब देखो उसकी अपील वगैरह लगेगी। तो जज देखो जी क्या करता है, इम्पार्शियल बिहेवियर करता है। कभी भी जज आपको बीइंग अ डिफेंस काउंसिल या प्रोसिक्यूशन काउंसिल ये नहीं बताएगा कि अरे प्रोसिक्यूटर साहब इसमें ये गलती है, ये एप्लीकेशन लेके आओ इस टाइम। ना डिफेंस काउंसिल को बताएगा आप इस चीज के लिए अप्लाई करो या आप क्रॉस ऐसे करो, इससे ये सवाल पूछो बैठ के वहां कुर्सी पे, क्यों, वो तो भाई सर्व ज्ञाता है जैसे कह देते हैं ना, तो उसे तो पता है कि इस क्रॉस में ये क्वेश्चन पूछो तो फंस जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है किसी की भी हेल्प करने के लिए बैठा है। तो मेरे सामने की बात है, एक डीजे साहब थे, वो क्या कह रहे थे, वकील साहब कोर्ट से मत पूछो कि क्या करना है, कोर्ट को आप बताओ कि ये कर दो, फिर हम देखेंगे करना है या नहीं करना। तो वो कोर्ट से मत पूछो आपको क्या करना है, आप कोर्ट के सामने लेके जाओ कुछ, कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी अलाउ या डिसअलाउ, कोर्ट का इतना काम है। आपकी हेल्प करने के लिए नहीं बैठी वो, किसी की भी, प्रोसिक्यूशन की भी या डिफेंस की, ठीक है जी। हेल्प वहां करती है जो सीओ मोटो उसको पावर्स दी हुई है, कहीं कहीं कंप्लेंट केस में हो गया, ठीक है जी, 319 जैसे हम कल कर रहे थे उसमें हो गया, तो ये सब केस। चले जी, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लिखने शुरू करें जी। मिक्स कॉन्स्टी करनी है कॉन्स्टी कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करनी है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मिक्स करनी है मिक्स कर लेते हैं। बताओ जी, ठीक है जी, कॉन्स्टी कर लें, मिक्स कर लीजिए जी। लिखे जी, अरुणाचल गोंदर वाली जजमेंट तो हम पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है जी, जिसमें क्या था, डॉटर्स को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा, अरुणाचल वाली जजमेंट हम लिख चुके हैं। सेकंड जजमेंट लिखे हैं आप, जीटी गिरीश वर्सेस वाई वाई सुब्बा राजू, ठीक है जी। इसमें लिखें इन लिस पेंडेंस, इन लिस पेंडेंस LIS PENDENS, इन लिस पेंडेंस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट वॉइड बट इट रिमेन्स सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। क्या कहते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं जी, लिस पेंडेंस की डॉक्ट्राइन सेक्शन नंबर 52 TPA में दी हुई है आपकी। लिस पेंडेंस किसकी बात करता है, नाम है लिस पेंडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, लिस मतलब सूट, पेंडेंस मतलब पेंडिंग। क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई सूट पेंडिंग है, सपोज करो मकान नंबर 10 के रिगार्डिंग कोई सूट पेंडिंग है और किसी पार्टी ने क्या करा, सूट अभी पेंडिंग है और उस मकान नंबर 10 को आगे बेच दिया पेंडिंग सूट के दौरान, तो अब उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि सूट अगर दूसरे पार्टी के फेवर में हो भी गया
तो भी मकान तो बेच दिया गया है, अब क्या करेंगे? तो इससे बड़ी दिक्कत क्रिएट होती थी। उसके लिए उन्होंने सेक्शन नंबर 52 बनाया टीपीए का। सेक्शन नंबर 52 क्या कहता है कि अगर आपने चलते सूट के दौरान प्रॉपर्टी का कोई सूट चल रहा है, आप उस सूट के दौरान उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। कैन नॉट ट्रांसफर, वहां वर्ड यूज हुआ है 52 में, यू कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी वाइल द सूट इज पेंडिंग। याद रखें, अगर सूट मकान नंबर 10 का हाउस नंबर 10 का चल रहा है, तो अगर आप हाउस नंबर 11 बेचते हैं उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं जिस प्रॉपर्टी के ऊपर सूट चल रहा है उसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की। तो 52 ने क्या करा, मेयरली कह दिया कि यू कैन नॉट ट्रांसफर। अब इन वर्ड्स का बड़ा प्ले होता है जी, बड़ा खेल होता है। इसमें लिखा है यू कैन नॉट, शैल नॉट नहीं लिखा जी। कैन नॉट का मतलब कर नहीं सकते आप, कर दिया तो उसके लिए कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने। फिर एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, फिर और जजमेंट्स आई। फाइनली जजमेंट का सेटलमेंट क्या हुआ कि अगर लिस्ट पेंडेंस के दौरान, पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान अगर कोई आप सूट प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं, तो वो सेल क्या है, वॉइड नहीं होती ऑटोमेटिकली, वो सेल वैलिड मानी जाएगी, बट वो सेल क्या है इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट मकान नंबर 10, ठीक है जी। प्लेंटिफ ने क्या करा, इसको सेल कर दिया ए को, ये जीत गए साहब डिफेंडेंट, ठीक है जी। तो जीटी गिरीश वर्सेस वाई सुब्बाराव राजू में क्या कहा उन्होंने कि ये जो सेल है, ये सेल विल बी वैलिड बट सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यानी कि अगर प्लेंटिफ ही जीतता और प्लेंटिफ ने ही सेल करी है तो ये सेल वैलिड होती, प्लेंटिफ इसे कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर डिफेंडेंट जीत गया तो ये प्रॉपर्टी इसे वापस करनी पड़ेगी। ये है सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि सेल तो वैलिड है, सेल को हम वॉइड नहीं कर रहे, पर ये सेल क्या है, एक तरीके से सेल के ऊपर स्टे लग जाएगा, सेल इन इफेक्ट नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तक। जो कोर्ट का ऑर्डर कहेगा वो तीनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्टी टू द सूट नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, ये डिक्री से एक तरीके से बाउंड हो गया, ठीक है जी। ये कहा जीटी गिरीश वर्सेस वाई सुब्बा राजू ने। नेक्स्ट लिखे, इन री RE cognizance for extension of limitation, इसमें क्या कहा गया है जी, इसमें है कि 15 मार्च 2020 द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मार्च 2020 टिल 28 फरवरी 2022 शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेकेंड पॉइंट इसी का, इफ लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड बिटवीन 15th मार्च टू 28 फरवरी, कॉमा देन 90 days will be given from 1 March 2022. Third case, in इसी में
थर्ड पॉइंट, इन इन केस द एक्चुअल बैलेंस पीरियड इज लॉन्गर देन 90 डेज फ्रॉम 1 मार्च 2022, कॉमा देन एक्चुअल पीरियड विल प्रिवेल। तीन चीजें कही इसमें, लिमिटेशन पीरियड सस्पेंड रहेगा आपका इस डेट से लेके इस डेट के बीच में कोरोना के चलते। अगर आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया था इन डेट्स के बीच में, तो आपको 90 दिन एडिशनल मिलेंगे फर्स्ट मार्च से 90 दिन लगभग कितने हो गए, मार्च अप्रैल और मई पूरा आपका 30 मई कह रहा हूं, ठीक है जी। वो कहते हैं आपका एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड 30 मई से भी ज्यादा बचा हुआ था, जैसे सूट फॉर पजेशन 12 साल का है, ठीक है। अब उसमें क्या था, आपका सूट फॉर पजेशन 2021 में शुरू हुआ, अब 12 साल कितने हुए, 33 तक। तो वो कहते हैं आपका लिमिटेशन पीरियड 33 तक ही चलेगा अगर वो 90 दिन से ज्यादा है, ठीक है। ये तीन बातें इसमें उन्होंने कही थी। देखो जी, तीन केस हैं, 15 मार्च है ना डेट, 15 मार्च 2022 से लेके 28 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2022 तक आपका पीरियड काउंट ही नहीं होगा, ठीक है जी। लिमिटेशन का आपके ये काउंट नहीं होगा पीरियड। मान लो आपका पीरियड था 12 मार्च से शुरू, सपोज करें लिमिटेशन पीरियड था 12 इयर्स का, तो खत्म कब हो जाना चाहिए था, 22 + 12 = 34 में, ठीक है जी। वो कहते हैं लेकिन ये जो पीरियड है ये काउंट ही नहीं होगा, तो 34 + 2034 में ये 2 साल और एडिशनल मिल गए लगभग, तो वो 36 तक चलेगा आपका पीरियड। वो कहते हैं अगर आपका लिमिटेशन पीरियड इस दौरान खत्म हो गया तो आपको मिलेंगे सबको 1 मार्च से + 90 डेज सूट फाइल करने के लिए, क्योंकि कोरोना टाइम है, ठीक है जी। वो कहते हैं आपका एक्चुअल बचा हुआ पीरियड, जैसे इस केस में 90 डेज से ज्यादा है तो एक्चुअल पीरियड आपको मिलेगा। ये तीन चीजें इसमें कही थी कोर्ट ने, ठीक है जी। आगे लिखें, नेक्स्ट केस, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, कोर्ट नहीं नहीं अलग केस है, अच्छा यहां पे लिखा है इन री, ने लिखा है ना री, री मतलब रेफरेंस, ठीक है जी। री भी दो तरीके की होती है जी, एक होती है जब प्रेसिडेंट रेफर करते हैं, एक होता है जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही किसी चीज को क्या है रेफर कर लेती है अपने पास। कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इशूड 12 गाइडलाइंस फॉर COVID-19। ठीक है जी, आगे लिखें, गुलाब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नॉन रिकवरी ऑफ वेपन non-recovery of weapon or failure to produce ballistic report
would not discredit the prosecution case which relied on eyewitness, which relied on eyewitness. हाँ जी, डायरेक्ट एविडेंस. हाँ, आई विटनेस आपका डायरेक्ट एविडेंस हो गया ना. तो वो कहते हैं क्या कि जहां पे अदर एविडेंसेस के थ्रू, जैसे आई विटनेस के थ्रू केस प्रूव हो सकता है, तो वहां पे अगर आपने वेपन ऑफ ऑफेंस है, जो जो वेपन है जो यूज किया गया था, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए. बैलिस्टिक एक्सपर्ट क्या होते हैं, जो बंदूकों के मामले में एक्सपर्ट होते हैं, गन्स के मामले में, उसकी रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो कहते हैं प्रोसिक्यूशन का केस इन बातों से खराब नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, आपके पास आई विटनेस मौजूद है. ठीक है जी, एविडेंस में एक सेक्शन आता है जी, जिसमें क्या होता है, जो विटनेस अब बोल नहीं सकते है ना, उनकी टेस्टिमनी, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है जी. जो विटनेस बोल नहीं सकते, मान लो वो अपनी टेस्टिमनी लिखित में देते हैं, तो उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा या डॉक्यूमेंट्री माना जाएगा? ओरल माना जाएगा. दूसरा, अब इसका नाम बदल दिया है सेक्शन का, उस सेक्शन का नाम पहले कुछ और था. ठीक है जी, तो आपका होमवर्क क्या है, सेक्शन नंबर ढूंढ के आना है और पुराना नाम ढूंढ के आना है उसका एविडेंस में. ढूंढ के आना जी. ठीक है, 179 नहीं, 115 से 117 ये एस्टोपल का ग्रुप है जी. ठीक है जी, आगे देखें. लवप्रीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. लवप्रीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें लिखें इन केस वेयर कस्टोडियल इंटेरोगेशन is denied to investigation agency comma then it may leave loose ends on the part of investigation agency and also hamper the investigation. Hamper the investigation. कहते हैं custodial interrogation दी नहीं पुलिस को जज ने, तो ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करेगा, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को अफेक्ट करेगा. इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कस्टोडियल इंटेरोगेशन डिनाई कर दो पुलिस को, अगर बनती है तो दे देनी चाहिए. ठीक है जी, नेक्स्ट लिखें सुरेश चंद वर्सेस अजीत सिंह दहिया. हाँ, सुरेश चंद वर्सेस अजीत सिंह दहिया. Court of first instance dumb witness, right? The court of first instance, while granting multiple sentences, then comma then
द कोर्ट मस्ट स्पेसिफाई वेदर द सेंटेंस विल रन कंकरेंटली और कंसेक्यूटिवली. कौन सा सेक्शन है जी सीआरपीसी का? देख के आना, ठीक है जी? देख के आना, ठीक है जी? कॉमा एंड इन केस हिसाब से 26 नहीं है जी, शुरू में ही मिलेगा आपको, शुरू में ही मिलेगा आपको. एंड इन केस देवर टू रन, हाँ, एंड इन केस देवर टू रन कंसेक्यूटिवली देन किसके? देख के आना, ठीक है जी? एंड इन केस देवर टू रन कंसेक्यूटिवली, आगे द ऑर्डर इन विच द सेम वुड रन, क्या कहते हैं जी इस केस में बताओ? एंड इन सीक्वेंस इन विच दे वुड रन, क्या कहते हैं इस केस में बताओ जी? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है इसमें. और वो कहते हैं, वो तो इस जजमेंट में इन्होंने ये कहा है कि आप इस अजम्पशन पे नहीं चल सकते कि नहीं लिखी तो ये है. वो कहते हैं कोर्ट को स्पेसिफाई करना होगा कि आप कॉन्करेंट चलाना चाह रहे हैं, कंसेक्यूटिव चलाना चाह रहे हैं. और अगर आप कंसेक्यूटिव भी चला रहे हैं, मान लो तीन चार ऑफेंस हैं, थेफ्ट भी है, मर्डर भी है, हाउस ट्रेसपास भी है उसी में, ठीक है, तो आपको ये बताना होगा वो किस सीक्वेंस में चलेंगे, कि पहले थेफ्ट की काटो, फिर हाउस ट्रेसपास की काटो, फिर मर्डर की काटो, वो सीक्वेंस भी आपको बताना उसमें पड़ेगा, ठीक है जी? आगे लिखें, स्वप्निल त्रिपाठी, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Live streaming and justice and access to justice go hand in hand ठीक है जी. Live streaming and justice go hand in hand. And these are facets, FACETS, and the facets, and these are facets of Article 21. ठीक है जी. एक इसमें बड़ी अच्छी लाइन कही गई थी, वो लाइन आप लिखो इन्वर्टेड कॉमास में, Sunlight is the best disinfectant. तो इसमें क्या कहा गया था जी? लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर फोकस किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की क्या चलाएं आप, लाइव स्ट्रीमिंग चलाएं। देखिए जी सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे, ठीक है जी, नहीं देखी तो देख लेना एक बार कैसे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की दिखाते हैं वो, और किसी बेंच की नहीं दिखाते मेरे ख्याल। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे होते हैं 5-6 जजेस बैठे होते हैं, दोनों साइड के वकील दिख रहे होते हैं उसमें, कपिल सिब्बल कभी आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा, कभी टाइम लगाए तो सुन लिया करो उनके आर्ग्यूमेंट, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। बड़े महंगे वकील हैं जी, 20-20 लाख रुपए एक अपीयरेंस के लेते हैं, चाहे उसमें डेट ही लेनी हो जाके, ठीक है जी, उन्हें कोई फर्क नहीं है उस चीज से। तो जैसे एक, मैं कहीं पॉडकास्ट भी सुन रहा था शायद, तो उसमें था हाँ कि कई 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं एक दिन में ही। भाई जो 20-25 लाख की फीस ले रहा है, 4-5 केस तो होंगे ही दिन में उसके पास, कम से कम 1.25 करोड़ रुपए दिन के कमा रहा है। कई ऐसे हैं वकील जी, चाय भी जेब से ही पी के जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इतनी पैरिटी क्यों है? नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। पैसा किस बात का है? नाम का पैसा नहीं है, नॉलेज का पैसा है, नॉलेज से नाम बना। अब देखो जी, आप ये नहीं कह सकते कि हरीश सालवे सेटिंग पे ही चल रहा है, सेटिंग है पर नॉलेज है जी बंदे के पास, इसलिए सेटिंग है। ऐसा नहीं है कि उस पोजीशन पे कोई शेख चिल्ली बिठा रखा है उन्होंने, सॉलिसिटर भी। असिस्ट करो जी किसी अच्छे वकील को, नॉलेज होगी तो अपने आप केस आ ही जाते हैं जी, राह अपने आप खुली जाती है उसमें, है ना। 1 रुपए लिया था उन्होंने हरीश सालवे जी ने रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को कुलभूषण के केसेस में। देगी सर, जब रिप्रेजेंट करवाना तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, इतने सारे एजी डबल एजी इन्होंने रखे हुए सैलरी पे, वो वकील साहब है जी, सीबीआई इनकम टैक्स को घुमाना अच्छी तरह जानते हैं वो, ठीक है जी। ऐसे ही एक कोर्टरूम जीनियस मिस्टर नानी ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला है ना, जिन्होंने केशव नंदा भारती में असिस्ट करा था, उसमें उन्होंने असिस्ट नहीं करा था, केशव नंदा भारती से पहले जी से क्या नाम था उस केस का, कॉन्स्टिट्यूशन का, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें वो असिस्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए उसकी जजमेंट, यहां तक कि एन ए पालकी वाला, नानी पालकी वाला के लिए एक जज साहब ने बोला था, इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि भगवान ही इनके थ्रू बोल रहे हैं कोर्ट रूम में, इट इज द डिविनिटी हु इज स्पीकिंग थ्रू हिम इन द कोर्ट रूम, द कोर्ट रूम जीनियस, है ना। किसने लिखी है वो आपकी, ये भी आपका डीजीएस का क्वेश्चन है, किसने, द कोर्ट रूम जीनियस, ये आपके डीजीएस के क्वेश्चन बनते हैं जी, बुक्स और ऑथर्स, ठीक है जी। जब भी आप डीजीएस देंगे उसमें पूछा जाएगा मेंस में आपसे और पीटी में भी कि ये बुक किसने लिखी, अधिकतर वो उसी की पूछते हैं, लॉयर्स और जजेस ने जो बुक लिखी है, सारे जहान की नहीं पूछते, अनलेस एंड अंटिल वो बहुत ही फेमस ना हो, ठीक है ना। तो वो भी आपको डीजीएस के लिए तैयार करनी होगी। चलें जी, लाइव स्ट्रीमिंग हो गई हमारी, आगे चलें। किसने, अरविंद पी दातार। अब आप लिखें जोगीराम वर्सेस, क्लाइंट को भी किराए पैसे हम दे रहे हैं, सही बात है। ये भी एक्चुअल किस्सा है जी, वो क्लाइंट ये कह देते हैं वकील साहब 10 रुपए दे दो ऑटो के लिए, फीस तो कुछ देके नहीं जाते जी, 10 रुपए हमसे ही और ले जाते हैं, चाय भी हम ही पिला देते हैं जी उन्हें। तो ये भी आपको प्रैक्टिस में देखना पड़ेगा जी, ठीक है ना। जिनका चैम्बर वगैरह या जिनकी सीट वगैरह चाय वाले के पास होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है जी, कोई भी क्लाइंट आता है, हालांकि अब तो बहुत आपको नमूने देखने को मिल जाएंगे जी कोर्ट में जो घूमते रहते हैं खामाखा की। लिखें जोगीराम वर्सेस सुरेश कुमार, सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर है, ठीक है जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 14 cannot be that of section 14 cannot be that a Hindu male who owned
सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी is unable to execute a will giving limited estate to wife limited estate to wife if all other aspects including maintenance wife if all other aspect including maintenance are taken care of. ये हिंदू मैरिज एक्ट बोल दिया था ना मैंने, सक्सेशन का 14 सक्सेशन का HSC. वो क्या कहते हैं जी, सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट बात करता है कि फीमेल के पास जो भी प्रॉपर्टी आएगी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, उसकी फुल एक्सटेंट के लिए वो उसकी मालिक होगी प्रॉपर्टी की. उसमें उसका क्या है, आप राइट्स लिमिटेड नहीं कर सकते. तो वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता है, विल के थ्रू लिमिटेड राइट भी क्रिएट कर सकता है वाइफ के नाम पे. जैसे लिमिटेड राइट कैसे, वो क्या कर देगा, जैसे हस्बैंड है वो विल बना के चला गया कि मेरी वाइफ के जीते जी ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को क्या देगी, बेनिफिट्स देगी, रेंट के रूप में, क्रॉप्स के रूप में, एक्स वाई जेड. वाइफ के जाने के बाद ये बच्चों के पास पूरी पूरी चली जाए. तो वो कहते हैं ये वैलिड चीज है. 14 HSA का ये मतलब नहीं है कि अगर वाइफ के पास प्रॉपर्टी आ गई तो वो उसकी फुल प्रॉपर्टी हो गई. अगर विल में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वैलिड मानी जाएंगी. ठीक है जी, नेक्स्ट लिखें. हाँ ये है जी रिलेशन. ठीक है जी, ये जनाब अब अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का विल बना के जा रहे हैं. विल में इन्होंने चार हिस्से कर दिए, वाइफ, सन, डॉटर, डॉटर, 1/4, 1/4, 1/4. ठीक है जी, 1/4 हो जाने के बावजूद इसने अपनी वाइफ के 1/4 शेयर में क्या लिखा कि आपका इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट है फॉर लाइफ, जिसे हम लाइफ इंटरेस्ट कह देते हैं टीपीए के अंदर, कि अपनी लाइफ तक आप इस 1/4 हिस्से को क्या करें, एंजॉय करें, रेंट खाएं, प्रॉफिट खाएं, जो मर्जी खाएं आप इससे. आपकी मृत्यु के बाद, वाइफ के जाने के बाद, ये प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में जाएगी, यानी कि 1/12, 1/12, 1/12. ठीक है, ये 1/12 प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर होंगे. हाँ, सबसे पहले तो देखो जब विल बना रहा है वो अपना हिस्सा रखेगा ही कैसे, विल तो मरने के बाद ही ऑपरेट में आएगी, है ना. जिन पार्टीशन करवा दिया उसने मान लो, है ना, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी सन के पास आएगी वो सन की क्या मानी जाएगी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, सेल्फ एक्वायर्ड नहीं मानी जाएगी. ठीक है जी, वो सन की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मानी जाएगी. ठीक है जी, वो उसका एब्सोल्यूट शेयर होता फिर. हाँ, हाँ, फिर सक्सेशन के अकॉर्डिंग आपके जो खोलेंगे. हाँ, ठीक है जी, फिर इन सब के 1/4 + 1/12. ठीक है जी, अच्छा जरा इसका पार्टीशन करो. हस्बैंड ठीक है जी, वाइफ वन, वाइफ टू, सन, डॉटर, डॉटर, हाँ ठीक है ना,
1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8 आ गया जी समझ में, कैसे इनका कंबाइंड एक ही शेयर मिलेगा इसमें, ठीक है जी। ये भी आपका कई बार पीटी का क्वेश्चन बन जाता है। बात हम कर रहे थे स्मृति, SMRUTI, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड अबाउट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, इसकी बात करी उन्होंने, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की, जो मेन केस में जैसे टेररिस्ट के खिलाफ कोई विटनेस बनाए, बड़े गुंडे के खिलाफ कोई विटनेस बनाए, पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई विटनेस बनाए, उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है जी, तो उस स्कीम को लेके इसमें कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने की थी, ठीक है जी। आगे लिखें कॉम्प्रोमाइज डिक्री के ऊपर, श्री सूर्य डेवलपर्स वर्सेस, कॉम्प्रोमाइज डिक्री के ऊपर श्री सूर्य डेवलपर्स वर्सेस एन प्रसाद। कॉम्प्रोमाइज डिक्री कहां आती है जी आपकी, ऑर्डर एन प्रसाद, ऑर्डर 23 रूल 3, कॉम्प्रोमाइज डिक्री। कॉम्प्रोमाइज डिक्री अपीलेबल है, कहां लिखा है 96 सबसेक्शन 3, ठीक है जी, 23 रूल 3 अपीलेबल नहीं है जी। कॉम्प्रोमाइज डिग्री को सेट असाइड कराने का एक ही तरीका है, जिस कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज डिग्री ग्रांट करी है वो ही उसे सेट असाइड कर सकती है, ठीक है जी। आपका ऑर्डर 41 में भी है, रूल 3A है आई गेस, और आपका इसमें भी है, रूल 3 में भी है, ऑर्डर 23 रूल 3 के प्रोविजो में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर कॉम्प्रोमाइज डिग्री को सेट असाइड कराना है तो अपील नहीं लगेगी, ओनली एंड ओनली जिस कोर्ट ने उसे पास कराए, ग्रांट कराए, कॉम्प्रोमाइज डिग्री के ऊपर मोहर लगाई है, वो ही कोर्ट उसे सेट असाइड कर सकती है, ठीक है जी। हट से हटाने का एक ही तरीका है, लिखें एन इंडिपेंडेंट सूट, इस केस का हेल्ड पोर्शन, एन इंडिपेंडेंट सूट क्वेश्चनिंग सीडी, सीडी माने कॉम्प्रोमाइज डिग्री, वुड नॉट बी मेंटेनेबल। सीडी कॉम्प्रोमाइज डिग्री वुड नॉट बी मेंटेनेबल। द पार्टी टू कंसेंट डिग्री शैल अप्रोच सेम कोर्ट विच रिकॉर्डेड सीडी टू चैलेंज इट। हाँ, टू चैलेंज इट, ठीक है जी। अब आपका और इंपॉर्टेंट, द सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री कहां दिया हुआ है, और सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलाने का ऑर्डर हो गया कि एक्स पार्टी चलाएगी, उस ऑर्डर को सेट असाइड कराना है, वो कहां पे है, ऑर्डर 9 रूल 9, ठीक है जी। आपका केस एक्स पार्टे हो गया, आप टाइम पे नहीं आए थे, ठीक है जी, ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर,
ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर क्या हो गया है, ऑर्डर 8 रूल 10 क्या कहता है कि अगर आपने WS टाइम पे नहीं दिया, 90 दिन है जैसे एक्सटेंडेड टाइम WS देने का, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो जाएगा, आपको अब डिफेंस नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर 8 रूल 10 की डिग्री आ गई, उसको सेट असाइड कराने के लिए कहां जाना पड़ेगा, उसके लिए भी ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन DJS में पूछा गया था लास्ट टाइम कि ऑर्डर 8 रूल 10 की डिग्री आई है, उसको सेट असाइड के लिए कहां जाना पड़ेगा, अपील में, रिवीजन में, ऑर्डर 9 रूल 13 में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 913 जी, हाँ 5A में होता ही नहीं जी एक्स पार्टे। नहीं नहीं वो तो अलग है जी, ऑर्डर 5 में है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस आपका। ठीक है जी, अब आप इसमें लिखें नेक्स्ट, इसमें और तो कोई ऐसी खास नहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टी की जजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की, बताओ जी। कॉन्ट्रैक्ट की जजमेंट कर लेते हैं जी, थोड़ी बहुत टॉपिक वाइज कर लेते हैं, वन लाइनर टाइप में, ठीक है जी। लिखें ऑफर के ऊपर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, क्या केस था जी, लालमन शुक्ला गौरी दत्त, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से रिलेटेड था, नेफ्यू खो जाता था है ना, अवार्ड अनाउंस होता था वो, हाँ। अ प्रपोजल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, अनलेस इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन एक्सेप्टिंग इट, ठीक है जी। सेकंड, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसके फैक्ट्स भी आपको पता ही है जी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल बीमारी इन्फ्लुएंजा फैल गई थी, जनरल ऑफर के ऊपर, ओपन जनरल एक ही होती है। तीसरा, हाइड वर्सेस रेंच HYD, कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, हाइड वर्सेस रेंच HYDE वर्सेस रेंच, नहीं। इसमें क्या कहा गया था जी, इसमें कहा था जैसे मैंने आपको कहा मेरा घर 1000 रुपए में खरीद लो, मैंने आपको ऑफर किया, आपने कहा नहीं 950, ठीक है जी, मैंने कहा नो, फिर आपने कहा ओके आई एम विलिंग आई एम रेडी टू परचेज इट फॉर 1000, तो वो कहते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ जी, मैंने आपको कहा 1000 में ले लो, आपने कही नहीं 950 में लूंगी, मैंने कहा नहीं आई डोंट एक्सेप्ट, आपने कहा ठीक है 1000 में ही दे दो, पर मैंने बाद में मना कर दिया, फिर आपने केस कर दिया, जब मैंने कहा कि ठीक है 1000 में ही दे दो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो चुका था, तो लॉ ने कहा, कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ, क्यों, जैसे ही आपने क्रॉस ऑफर बनाया कि 950 में लूंगी मैं, तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया ऑटोमेटिकली, 1000 वाला ऑफर अब खत्म हो चुका है, ठीक है जी, 950 का ऑफर बना वो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ आपका। लिखना चाहो तो लिख लो इसमें, A offered to sell estate for £1000. Full stop. B offered to pay £950. Full stop. A refused. Full stop. B immediately agree and
रिप्लाई दैट ही एक्सेप्ट द ओरिजिनल ऑफर ऑफ 1000. स्टॉप. ए नाउ रिफ्यूजेस. एल्ड एल्ड इसमें करा गया था जी, ये आपका काउंटर ऑफर या क्रॉस ऑफर विल लैप्स द ओरिजिनल ऑफर. ठीक है जी. नेक्स्ट, हैरिस वर्सेस निकर्सन. हैरिस वर्सेस निकर्सन. एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन इज मेयर इनविटेशन टू ऑफर. इसी से रिलेटेड हार्वी वर्सेस फेसे, एफ ए सी ई वाई. हार्वी वर्सेस फेसे, एफ ए सी ई वाई. क्या था इसमें? इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर आर डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्सप्लेन्ड. ठीक है जी, बाकी जजमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एंड ऑफर आर डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्सप्लेन्ड. Online doubts? Explained. Explained.